उसको जरूर बताऊंगी आज हुआ क्या है, आज जो हुआ है वो बताएंगे जरूर, पर बने रहेगा व्लॉग में, एंड में जरूर बताएंगे। व्लॉग का स्टार्ट होगा गोल्ड पर, एडवांस दिया बा या 500 दे दे। ओ ऐसा लालो बाबू दे देले बा, ये 5 ग्राम 6 ग्राम, अच्छा डबल से देते। हाँ नया डिजाइन तो है, ऊपर वाला छोटा नहीं है अभी थोड़ा यही तो। हाँ देखो देखो, ये वो कच्चा हुआ होगा, संदेश होगा, बेसन का बर्फी है। अच्छा वो वाला खाजा खा लो, देखो तो क्या है, भोजन किए थे ना, भोजन करके भाई का भी जब बजरी खिलाएगा बाकी बात खिलाइए। छना देखो देखो तो है क्या, क्या ले ले, नहीं बाबा प्लीज नहीं, ले लिए प्रसाद ले लिए, नहीं नहीं नमक पानी, नमक पानी कितना, दो बार तीन बार ऐसा हो गया। कैसा लग रहा है श्रेया, पूरा खाएगी तुम? अब तो चौड़ा चौड़ा के मिठाई खाते थे अपने समय। हाँ दीदी भी जा रही है, तुम दोनों तीनों आटे ना सब ए, हमारे लिए ला देना, आ जाना सब, गिरा पड़ा मत देना सबको, बाय जल्दी आ जाना। सॉरी गाइस, वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी। मुझे पता है जो भी मेरे जेन्युइन व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देखते हैं, वो ज़रूर वेट कर रहे होंगे छठ पूजा के व्लॉग का। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी हो गई, और जैसे ही छठ पूजा ख़त्म हुआ थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया था मेरा, इस वजह से मैं व्लॉग को एडिट नहीं कर पाई। तो कोई नहीं, देर आया दुरुस्त आया, तो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए ये वाला व्लॉग डाल दिया है। ये खरना एंड शाम के पूजा वाला व्लॉग रहेगा। ये मेरी सासू माँ है, और भाभी सबको टीका लगा रही थी, सिंदूर लगा रही थी, और पूजा समाप्त हो गया था। ये पूजा तो मतलब प्राइवेट होता है तो इसको सूट नहीं कर पाते, पर पूजा के बाद हमने थोड़ा बहुत पिक्चर्स वगैरह लिए, जो कि हम हमेशा करते हैं। बहुत मज़ा मस्ती होता है जब परिवार एक छत के नीचे हो। एंड छठ पर अब हम बिहारी के लिए एक बहुत ही मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, मैं क्या ही बताऊँ, इसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। जो भी करते हैं उनको पता होगा। तो जो भी गई वो मेरी बीच वाली ननद है, जो कि हाजीपुर से आई हुई थी। एंड व्रत में बड़ी दीदी एंड भाभी ने रखा था व्रत। और ये देखे मुझे और हन्नू को, जो कि हम लोग प्रणाम कर रहे थे, ये दुकान से लेट आए थे तो उन्होंने बाद में प्रणाम किया था। और इस दिन खरना पूजा में रोटी, केला एंड रसुआ बनता है, जो कि पानी में चावल को पकाया जाता है और चीनी का यूज़ किया जाता है। बहुत कोई खीर बनाते हैं, बट हमारे यहाँ रसुआ ही बनता है, तो वही पूजा चढ़ता है, फिर उसी को खाते हैं। एंड फिर नेक्स्ट डे था शाम का अर्घ, जो कि इस व्लॉग में मैंने अटैच किया हुआ है, आप लोग देखना इंजॉय करोगे। हमारे सिलीगुड़ी का छठ पूजा बहुत ही अच्छा होता है, और यहाँ का व्यू और भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। और ये देखिए हम लोग फोटो सेशन कर रहे थे, एंड जो भी पिक्चर्स एंड वीडियो ले रहा था वो मेरा भांजा ले रहा था, और क्योंकि हम लोग पूजा में बिजी थे तो वो उसको बता दिया था मैंने कि कुछ मिस नहीं होना चाहिए, और उसी ने व्लॉग बनाया था। कभी कभी कैमरा हिल रहा है बिकॉज हम लोग बातें भी कर रहे हैं, साथ में हंस भी रहे हैं, और बाकी के फैमिली बहुत सारे वो सब बाहर बैठे हुए हैं। लाइक जीजा जी आए थे, तीनों जीजा जी थे हमारे, पापा जी सब बाहर बैठे हुए। मैं सबसे मिलवाऊँगी आप सभी को, और शुरुआत में तो मिल ही लिया मेरी सासू माँ से। तो यहाँ पे फोटो सेशन जारी है। है ना दीदी, कहाँ है टॉल्से दीदी? और अभी सभी को प्रसाद दिया जाएगा, जो कि वहाँ पे चढ़ा था वो प्रसाद सब बॉयज खाते हैं, तो दीदी यहाँ पे अलग कर रही थी। बाकी के प्रसाद जो भी लेडीज हैं, बच्चे हैं, गर्ल्स, वो लोग खाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, किसी को बता होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, और कभी मैंने पूछा भी नहीं कि हमेशा क्यों बॉयज को ज्यादा ही भाव दिया जाता है। तो ये रोटी आज के दिन यही बनता है, एंड परवल आलू की सब्जी थी, बड़ी की सब्जी थी, और सब बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे अपना मील। रात हो चुका था, 9:30 हो चुका था, और हम भी खाना खा के घर जाने वाले थे क्योंकि सुबह सुबह आना था नेक्स्ट डे। देखो नन्नू ने क्या लिया है, क्या है अपना पसंद से लिया, साइज देखो ना, वो खुद बोल रहा है कि ये 3 साल का बच्चा है, साइज देखो आप, एक साइज था बड़े लेके था, पहनेगा ये। इसमें ना ब्लैक था, व्हाइट था एंड ग्रे था, तो उसको बोल दे कौन सा कलर लोगे, तो बोला स्कूल का नहीं लेगा, ये लेगा बाबा, मतलब इसको व्हाइट मतलब उसका स्कूल का। नन्नू पापा बोल रहे हम पहनेंगे, पापा को दे दे।
एंड सुबह के 7 बजे हम अपने ससुराल पहुंच चुके थे, मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी थी और ये व्यू देखिए कितना ही खूबसूरत है। और जैसे ही घर गई तो वहाँ पे दीदी, दोनों दीदी मिलके अपने पूजा के लिए चढ़ता अर्घ में शुद्ध घी का आटा का ठेकुआ बन रहा था जो कि अभी पूजा के लिए बन रहा था। एंड मैं भी आ गई तो मैं भी हाथ लगा दी एंड सब ने मिल के फटाफट से बना लिया था। 11 बजे तक हमारा सारा ठेकुआ बन चुका था एंड हमने कुछ फिर बांटने के लिए भी बनाया। इस बार बहुत कम बना क्योंकि सभी का तबीयत डाउन था। मेरा आवाज़ सुन के आप लोगों को महसूस हो रहा होगा मेरा भी तबीयत ठीक अभी तक नहीं हुआ है। तो हमने ये सब ठेकुआ वगैरह बनाया है। फिर हमें सूप भी सजाना था जो कि हम और दीदी यहाँ ठेकुआ बना रहे थे और जो व्रत करी थी जो दीदी वो जाके वहाँ पे डेकोरेशन कर रही थी। क्योंकि इस दिन क्या होता है कि जितने भी लोग कम पड़ जाते सब, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, मतलब हम लोग कितने जन थे, 5 लेडीज़ थे, सब मिल के अपना अपना काम कर रहे थे। हम तीनों जन यहाँ ठेकुआ में लगे थे। उसके बाद माँ और एक छोटी वाली दीदी वो किचन में लगी हुई थी क्योंकि बाकी सबका खाना नाश्ता बनना था। पापा भी मतलब पूजा का तैयारी में लगे थे। जीजा जी लोग भी सामान ला रहे थे। मतलब सभी कोई बिजी था, ऐसा नहीं कि कोई फ्री बैठा हो, सब अपना अपना काम आराम से कर रहे थे जो कि हमारा पूजा बहुत ही आसानी से और सुंदर से सक्सेसफुल हो जाए। तो ये देखिए ठेकुआ कितना प्यारा स्मेल आता है, खुशबू आता है ठेकुआ का, बता ही नहीं सकते। मुझे बहुत कम पसंद है बट छठ पूजा का ठेकुआ मैं बहुत खाती हूँ। ये देखिए मेरा भांजा ने कितना सुंदर से वीडियो शूट किया, तो थैंक यू आर्यन ये वीडियो बनाने के लिए। मुझसे ऐसा बनता नहीं है गाइस, कब मैं सीखूंगी मुझे नहीं पता, बट कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आ पाऊँ। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और सबसे मेन पार्ट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। एंड सबसे जो मेन पार्ट है छठ पूजा का गीत जो कि हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, बहुत ही सुकून मिलता है पूरा साल। मतलब आप कभी भी सुनो पर आज छठ पूजा के दिन जब वो आप गाना सुनते हो तो अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है, तो बहुत ही प्यारा गाना लगता है। तो वो हमारा बज रहा था बट मैंने यहाँ पर नहीं डाला बिकॉज कॉपीराइट का इश्यू हो जाता। तैयार हो चुके हैं और जा रहे सीधा छठ घाट, छठ पूजा जहाँ होगा हमारा, क्योंकि मैं घर आ गई थी तैयार होने के लिए। वहाँ पे ठेकुआ वगैरह बना के एंड दीदी लोग का जो भी हल्का फुल्का हेल्प था वो कर दिया। अभी गोमजी हन्नू हमारे साथ निकलेंगे। गो नन्नू, नन्नू का लुक दिखाती हूँ मैं, रुकिए। हीरो और हीरो के पापा झोला उठाते हुए, आज क्या लगा, कैसा लगा, मजा बताऊंगी मैं व्यूअर्स को, जरूर बताऊंगी आज हुआ क्या है। आज जो हुआ है वो बताएंगे जरूर, पर बने रहेगा व्लॉग में, एंड में जरूर बताएंगे। पनिशमेंट अच्छा खासा वाला पनिशमेंट मिला है गोमजी को, वो आपको एंड में मिल जाएगा व्लॉग का। तो मैंने पहना है सलवार कुर्ता पहना, इस बार साड़ी नहीं पहना, हर बार मैं साड़ी पहनती हूँ, इस बार मेरे पास साड़ी कुछ था नहीं रेडी, तो ये सूट पहन लिया है। होप माँ कुछ बोले नहीं। और अभी क्या है मेन बेस्ट पार्ट कि अभी सासू माँ जाती नहीं है, सुबह जाएंगी मम्मी, तो माँ ने बोला कि अभी पहन लो सूट, सुबह तुम साड़ी पहन लेना। तो अभी ये सूट पहन लिया और फुल लुक साइड में पिक्चर डाल दूंगी अगर मैंने क्लिक किया तो, जो कि जरूर मैं करूंगी। मम्मा कैसी लग रही है? अच्छी नहीं लग रही। पहली बार बोल रहा है अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये मुझे बोल रहा था मम्मा साड़ी पहनो साड़ी पहनो, और सूट भी इसके पसंद का पहनो। मम्मा अच्छी नहीं लग रही है यार, हमेशा अच्छी बोलती है, बोलता है। तो हम लोग रेडी हो के घर से निकल गए थे घाट के लिए और मेरी कुछ दोस्त भी आने वाली थी, आगे मैं मिलाऊंगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है, तो मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है। तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। और ये देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था, रात को और मज़ा आएगा जब सुबह वाला में हम लोग आएंगे ना, तब मैं फिर से शूट करूंगी, आप लोग देखना। और पीछे से हन्नू की आवाज़ को इग्नोर करना। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे बाकी सब के लिए क्योंकि वो लोग गाड़ी में आ रहे थे और हम लोग बाइक से जल्दी से पहुँच गए थे। और ये जो आंटी है वो दंड प्रणामी दे रही है, ये भी एक नियम है जिसका मन्नत होता है वो पूरा होने पे इस तरह से किया जाता है, इसको दंड प्रणामी बोला जाता है। तो वो पूरा घाट तक ऐसे ही जाएंगी, बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल होता है जो भी ये करते हैं, उनके लिए मतलब दिल से दुआ है। अरे वाह, मैचिंग मैचिंग, ये भी तो हल्का हल्का मैचिंग हो गई है, नीचे से ग्रेसी भी मैचिंग है, एक किसी का भी कुछ मैच नहीं हो, बाकी सब मैचिंग है। नन्नू हाथ हन्नू कहाँ है ग्रेसी? जाओ जाओ डोल से, हन्नू कहाँ गया? चलो
दो लेना, देगा नहीं ये लोग के पास, वहाँ से वो मोमो दुकान से मांगना, पापा भी उससे मुंह धोए थे। खाने कौन बोला अभी? पीछे से सबसे लंबी वही लग रही है, जो बड़ी है सबसे छोटी वही लग रही है। सबसे सिंपल हम ही लोग का घाट सजाता है ना। एक बार यहाँ पे कांड किया तुमने, चिंता मत करो। वो क्या था, वो क्या होटल बन गया? हाँ होटल बन गया, तो बैठने वाला क्या बोलते हैं इसको, लाटन 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 पूरी कुर्सी नहीं लाई इस बार, कुर्सी हाँ अंदर जाएंगे नहीं तो। Thank you.